पटपरगंज औद्योगिक क्षेत्र थाने की टीम ने हत्या के मामले में सीमापुरी से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूर्वी दिल्ली जिला की DCP अमूर्था गुगलोत ने शनिवार की रात मीडिया को बताया कि पटपरगंज औद्योगिक क्षेत्र थाने की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सीमापुरी से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन दोनों ने अपने तीसरे साथी के साथ मिलकर एक युवक की हत्या कर दी थी। आगे DCP ने बताया कि पटपरगंज औद्योगिक क्षेत्र थाने को 3 जनवरी को एक PCR कॉल प्राप्त हुई थी कि आनंद विहार के ISBT के झाड़ियों के अंदर एक युवक की डेड बॉडी पड़ी है, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर सुनील पहुंचे अपने स्टाफ के साथ, जहां देखा कि करीब 25 वर्षीय अज्ञात युवक का डेड बॉडी पड़ी है। मृतक का चेहरा कुचला हुआ था और उसके पास खून से सना एक पत्थर भी पड़ा था, जिसके बाद मामला दर्ज किया था, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 6/23 धारा 302 IPC के तहत मामला दर्ज किया और अपराध स्थल पर मुआयना के लिए क्राइम टीम को भी बुलाया गया था। आगे DCP ने बताया कि जांच के दौरान कई CCTV फुटेज चेक किए और व्यापक स्थानीय पूछताछ की गई। अपराधियों के उपलब्ध रिकॉर्ड से मिलान के लिए मृतक के फिंगरप्रिंट को CRO को भेजे गए थे। मृतक के फिंगरप्रिंट सलमान के रूप में हुई, जो निवासी गली नंबर 12 सुभाष मोहल्ला भजनपुरा का है, जिसके बाद उसके पिता को भी बुलाया गया, जहां पिता ने पहचान की, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए भी एक टीम बनाई थी, जहां पुलिस ने यह भी बताया कि आखिरी बार मृतक को उसके 3 साथियों के साथ देखा गया था, जो 3 साथियों के नाम बताए, फैसल निवासी गली नंबर 1 शहीद नगर साहिबाबाद का, दूसरा तौसीफ निवासी एफ ब्लॉक शहीद नगर का, तीसरा जो उसका भी नाम सलमान है जो शहीद नगर साहिबाबाद का है। इन तीनों के साथ आखिरी बार मृतक को देखा गया था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जो कि मधु विहार सब डिवीजन के SCP विजेंदर सिंह के निर्देश पर SHO सुरेंद्र कुमार ने यह टीम बनाई थी। इस टीम के अंदर इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल जगसोरन, हेड कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल शाहिद के साथ और साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार को भी टीम में शामिल किया गया था। आरोपी व्यक्तियों की तकनीकी निगरानी के लिए गुप्त स्रोतों को भी तैनात किया था। आखिरकार एक गुप्त सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि दो आरोपी सीमापुरी इलाके में घूम रहे हैं, जिन्होंने अपने साथी की हत्या की थी। पुलिस ने जाल बिछाया और सीमापुरी से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम फैसल और तौसीफ है। दोनों आरोपियों ने अपना अपराध कबूल किया और दोनों आरोपियों ने बताया कि अपने तीसरे साथी सलमान के साथ मिलकर जो मृतक है, जिसका नाम भी सलमान है, उसकी हत्या कर दी थी। कारण बताया कि ये चार लोग एक ग्रुप में थे और चारों ही आसपास के इलाकों में स्नेचिंग वारदातों को अंजाम दिया करते थे। आगे आरोपियों ने यह भी बताया कि 2 जनवरी को आनंद विहार के ISBT इलाके में पहुंचे, वहां एक स्नेचिंग को अंजाम दिया, जिस पर आरोपियों की और मृतक से कहा सुनी हो गई और जिसके बाद 3 आरोपियों ने मृतक सलमान की हत्या कर दी। आगे ये भी बताया कि मृतक हमेशा मारपीट किया करता था, गाली गलौज दिया करता था, इसलिए बदला लिया। हम बता दें कि मृतक का नाम भी सलमान है और जो आरोपियों में एक तीसरा आरोपी जो फरार है, उसका नाम भी सलमान है। पुलिस ने 2 आरोपियों को सीमापुरी से गिरफ्तार कर लिया है और तीसरा साथी, जिसका नाम सलमान है, वह अभी फरार है, उसको भी पकड़ने का प्रयास जारी है। और DCP ने यह भी बताया कि मृतक पर 4 आपराधिक मामले शामिल थे, जिसमें हत्या का प्रयास, चोरी और स्नेचिंग ऐसी वारदात में शामिल पाया गया था, इसीलिए आसानी से मृतक की पहचान हो गई थी। जब फिंगरप्रिंट को भेजा गया था, फिंगरप्रिंट से आरोपी की पहचान हुई थी। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ जारी है।